अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुन्ना भाई पासवर्ड, और मैं हूं ताहिर फरीद। तो मैं आज एक नई वीडियो लेके आया हूं। आज मैं आपको सिखाता हूं कि चावल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं अभी किचन में खड़ा हूं, मैं अभी दिखाता हूं कि चावल का प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर लिया खाने का। अभी ये देखे, मैंने बर्तन के अंदर चावल डाल दिए। ये लहसुन और ये बर्तन है, इसके अंदर मैं बनाना चावल। मैं प्याज को ब्राउन कर रहा हूँ। जो ही प्याज ब्राउन होगा, इसके बाद थोड़ा सामान डाल के इसका रंग निकालेंगे। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। सबसे पहले आपने चावल को साफ करके, ताकि इसके अंदर रोड वगैरह ना हो, सफाई करके तो दो तीन दफ़ा पानी इसके अंदर डुबो के ना, चावल पानी के अंदर, तो वो पानी बाहर निकाल देना है। तो जब तक चावल का पानी बिल्कुल साफ ना हो जाए, तो आपने उसे उसकी धुलाई करते रहना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जब प्याज का कलर निकालना ना, तो उस वक्त सिर्फ आपने अकेला प्याज डालना है उसके अंदर, ठीक है। बाकी चीज़ें जो मिर्च टमाटर वगैरह, टमाटर मिर्च है, और ये लहसुन मैंने काट के रखा हुआ है अभी, ठीक है। सारा सामान मैंने तैयार करके रखा हुआ है अभी। ये देखें, नमक पड़ा ये वाला, ये हल्दी है। हल्दी में कुछ लोग डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी डालूंगा जायके के लिए, बस सीजन डालूंगा। ये मिर्चें हैं, और ये टमाटर मिर्चे मेरे ये पड़े हैं, ये देखें। तो अभी मेरा प्याज ब्राउन हो रहा है, मैं लाइट कम है इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा सही तरीके से। मैं भी इसे दरवाजा खोलता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये देखें, ये प्याज ब्राउन हो रहा है। जब प्याज अच्छी तरीके ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसका रंग निकालना है। और प्याज मेरा बिल्कुल ब्राउन हो चुका था, तो मैंने उसके अंदर पानी डाल के प्याज के अंदर, ये देखें, ऊपर ढक्कन दे दिया। मैं दो मिनट बाद आपको दिखाऊँगा कि प्याज का रंग निकला होगा। प्याज का रंग निकल चुका है। अभी मैं इसके अंदर लहसुन डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं अभी ये नमक डालूँगा। ये दिखाता हूँ अभी नमक, ये कुछ नमक डालूँगा मैं इसके अंदर। उसके बाद मैं लाल मिर्च डालता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सफ़ेद मिर्च भी हैं, तो मैं लाल मिर्च थोड़ी सी कम डालूँगा, बस इतनी डाल देता हूँ, ठीक है। इसे बंद कर देता हूँ। अब मैंने उठा लिया हल्दी वाला डब्बा, हल्दी बस मैं जायके के लिए थोड़ी डाल देता हूँ। अब टमाटर मिर्च की बारी आ गई है, टमाटर मिर्च डालेंगे इसमें। अभी मैं जायके के तौर पर थोड़ा सा इसमें आम का अचार भी डाल देता हूँ। टमाटर मिर्च मैंने डाल दी है, ये देखें, अभी मैंने आम का अचार डाल दिया है। अच्छा, आपने चावलों के हिसाब से ना, अपने चावलों के हिसाब से अपने घर में जो भी बर्तन हो ना, वो चावल उसके अंदर डाल के मिनट कर लेने के चावल कितने हैं, ठीक है। ये मेरे एक किलो चावल है, ये पानी वाला मग मग है, तो मैंने इसके अंदर मिनट की है, ये एक मग पूरा हुआ चावल का, ठीक है। तो मैं पानी भी इसके बराबर ही डालूंगा, जबकि चावल मैंने पहले धो के रखे हुए पानी के अंदर डुबोए हुए हैं। जब चावल आपने पानी के अंदर डुबोने हैं, तो फिर पानी उसके बराबर डालना है चावलों, जितने चावल हों आपके। जब चावल आपने वो खुश्क रखे हुए हैं, तो फिर आपने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। तो अभी मैं ये पानी डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने पानी डाल दिया, अभी देख रहे हैं, अभी पानी को उबाला आ चुका है, देखें दिखाई दे रहा है आपको। तो अभी मैं इसके अंदर चावल डालूँगा। अभी मैं चावल पानी के अंदर चावल डालने लगा हूँ, ये देखें। अभी मैं ऐसा ऐसा करके सारे चावल पानी के अंदर डाल देता हूँ। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि चावल डालने से पहले पानी का नमक चेक कर लेना है। पानी का जो नमक है वो तेल होगा, तो तब जाके चावलों के अंदर पानी पूरा होगा नमक का, ठीक है। अभी मैंने चावल सारे पानी के अंदर डाल दिए, ये देखें।
दिखाई दे रहे हैं। अभी ये देखें, अभी चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, तो अभी मैं दाम दे रहा हूँ। ये देखें, अभी इस तरह पौना ढक्कन के ऊपर डाल के ना, ये देखें अंदर बिल्कुल, और पौने को हल्का सा पानी लगाना ताकि थोड़ा गीला रहेगा। तो ये देखें, मैंने दाम दे दिया। और मैं जो आँच है वो बिल्कुल स्लो कर दूंगा, ठीक है। ये देखें, मैंने आँच बिल्कुल स्लो कर दी है और ये दाम दे दिया। अब ये देखें, मेरे चावल पक चुके हैं, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। माशाल्लाह बहुत ही कमाल के चावल बने मेरे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।